तो भाई मैक्सटन और एलबी सैदो को मैटर के बाद एलबी सैदो पे फिर से एफआईआर हो गया। आपको पता है कि एलबी सैदो पे बहुत दिन से इसने केस चल रहा था और उसी केस के एक ऑफिसर ने एलबी सैदो पे एफआईआर किया है कि एलबी सैदो ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। अब इस पे एलबी सैदो का क्या रिएक्शन है आइए हम देखते हैं। और मैं तो भैया सब वो करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा इतना स्ट्रेस किसी को ना दे। सही बात है भाई, झूठी सच्ची चीजें एक ने कंप्लेंट कराई गाजियाबाद में उन पीएफए वालों ने कि भाई मेरे जान से मरने की धमकी दी, के सपनों में दे दी गई जान से मरने की धमकी, झूठे साड़े। ये वाला देख के कि मार पिटाई मचा दी तो उसके बिना पे कि ये तो हमारे जान से मरने खत वो दे दी, झूठे साड़े झूठे। इतने भी परेशान ना करने चाहिए, नू ना सोचे माँ बाप तो के बीतते बाड़े तो के बीतते ना इनका ना, मेरे तो इंसान समझ में भाई इंसान ना भाई परली साइड वाले ने, बट इट्स ओके झूठे हैं वे। अब बात करें रैंडम सेना की तो मैक्सटन और एलबी सैदो को मैटर में रैंडम सेना खुद बीच में आके टांग अड़ाई थी और हैशटैग अरेस्ट एलबी सैदो का ट्वीट भी चलवाई थी, बट उल्टा में रैंडम सेना पे ही एफआईआर हो गया। और आज ये खबर आ रही है कि बिहार पुलिस ने रैंडम सेना को अरेस्ट कर लिया है क्योंकि वो बहुत देर से सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं हुए, तो ये खबर पक्की है कि रैंडम सेना को बिहार पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया है। अब बात करें अंजलि अरोड़ा की तो जब एलबी सैदो और मैक्सटन का मैटर चल रहा था तब अंजलि अरोड़ा ने एक स्टोरी शेयर करी थी जहां पे उन्होंने एलबी सैदो को सपोर्ट करते हुए ये लिखा था कि किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है, सभी अंजलियंस आपके साथ है, जिसके बाद उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया गया जिसपे एलबी सैदो ने भी रिएक्ट करा है। तो आइए हम देखते हैं। खबर आई है कि अर्चित पता कौन सी गैंग से है, अपनी गैंग का नाम बता दे। मेरे भाई अली सर में पता किस में, अभी कह रहा मैं अंजलियंस हूं भाई, अंजलि ने अपना सपोर्ट करा बिल्कुल भाई और पब्लिक ने अंजलियंस को ट्रोल किया। अंजलियंस भाई मेरे दिल के करीब है ठीक है, और अंजलि भी भाई नहीं भाई सॉरी ये रशिया और यूक्रेन का वॉर यही ठीक कराएंगे अभी ना अंजलियंस, ठीक है भाई है। और जब अंजलि अरोड़ा ने ये स्टोरी शेयर कर रहा था तो सबसे पहले लक्ष चौधरी ने इन्हें रोस्ट किया था, तो आइए हम उसे भी देख लेते हैं। तो अंजलि अरोड़ा ने डाल रखा था कि आई स्टैंड विद दिस दैट, तो अंजलि अरोड़ा ने डाल रखा था कि हैशटैग अंजलियंस आर विद यू। मैं पूछना चाहूंगा डागा अंजलियंस कौन है, तू है क्या अंजलियंस में? अंजलियंस मेरा फेवरेट जेंडर है। तू है क्या? एक ना इल्यूस में लिख रखा अंजलि अरोड़ा को कोई बताओ, लड़के 10 बजे के बाद देखे हैं उसकी प्रोफाइल, अंजलियंस नाम की कोई चीज नहीं होती। मतलब मुझे ऐसा कोई ठीक है उसकी ग्रोथ से मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट यार ऐसे तो मत सोचो कि तुम्हारी कोई फैन आ रही भी है। अब बात करें एलबी सैदो के न्यू सॉन्ग राव साहब रोलिन की तो बहुत ही जल्द प्ले डीएमएफ चैनल पे रिलीज होने वाला है, जिसकी खबर खुद मैक्सटन ने एक स्टोरी शेयर करते हुए दी है, तो आइए हम उसे देखते हैं। कल एक नया गाना आ रहा है प्ले डीएमएफ हरियाणवी पे राव साहब रोलिंग, और इसमें आपके लिए एक छोटा सरप्राइज है, तो जल्दी से प्ले डीएमएफ पे जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस गाने का वेट करो। और एक बहुत ही बुरी खबर है कि एमसी स्टैन के चैनल को पूरी तरह से हैक कर लिया गया है, उनके सारे गाने को डिलीट कर दिए गए और अभी उनके चैनल पे एक बिटकॉइन की लाइव स्ट्रीम चल रही है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत ही जल्द चैनल वापस आ जाएगा। तो जैसे ही चैनल वापस आ जाएगा हम आपको बता देंगे, तो उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।